एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम के नेतृत्व में रविवार को यातायात पुलिस द्वारा पैटलीगंज चौराहे पर ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया, जिसके संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने बताया कि चेकिंग के दौरान ज्यादातर बुलेट मोटरसाइकिल में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों का ध्वनि प्रदूषण में चालान किया गया है। साथ ही बिना हेलमेट तथा बिना सीट बेल्ट वाहन चलाते मिले वाहनों का भी चालान किया गया। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि रविवार को 200 से अधिक गाड़ियों को चेक किया गया तथा 50 से अधिक गाड़ियों का एमबी एक्ट के तहत चालान किया गया। उन्होंने वाहन चालकों को हिदायत दी कि मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ना चले, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार राय, विनोद सिंह तथा अन्य ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, जो है ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चलाया जा रहा है और इसमें विशेष रूप से जो मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते हैं या निर्धारित सीमा से अधिक जिनका डेसिबल है तो उनके विरुद्ध जो है चेकिंग के द्वारा जो है मेजरमेंट करके कि कितनी तीव्रता का जो है उसमें निकल रही है साइलेंसर से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही चेकिंग के दौरान जो दोपहिया वाहन हैं या फोर व्हीलर हैं जो एमबी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं या हेलमेट नहीं धारण कर रहे हैं, सीट बेल्ट धारण नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध भी एमबी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।